मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। लगातार हम जो है वसंत भाग दो से जो पाठ संख्या 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला का अध्ययन करते आ रहे हैं। पहले ये जो लेखक हैं इन्होंने जो है यहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उसकी मनस्थिति पर दर्शाया गया है और वह अकाल ही बच्चों से और अपने पत्नी से जो है बिछड़ जाता है या उनसे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए वह अपने मन बहलाने के लिए जो है कभी कभी मुरली वाला, मिठ खिलौने वाला, ऐसे अब तक जो है पहले उसने खिलौने वाला बनकर जो है मधुर स्वर में बच्चों को बुला था और उनकी तोतली बोले से जो है अपना मन जो है बहलाता। उसके बाद मुरली वाला जो है अच्छे ध्वनि जो है उससे निकालता है और यहाँ पर जो विजय बहादुर है और उनकी पत्नी है रोहिणी और उनके दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, यह भी जो है इनसे जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से जो है निराश व्यक्ति से जो है उनको कम पैसों में जो है चुन्नू मुन्नू जो है वस्तुएं खरीदते हैं। तो इसी बीच जो है यहाँ पर हमने एक तो खिलौने वाला का विवरण देखा और जो मुरली वाले का, आज हम उसी के अंतर्गत जो तीसरे भाग में वह किस रूप में बनकर आता है उसका आज हम तीसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए, तो तीसरे भाग का आज हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। ठीक है, तो बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। तो देखिए, वह बेचने के लिए नहीं आता था, केवल जो है वह मन बहलाने के लिए आता था। यह सब जो है रोहिणी देख रही है, जो चुन्नू मुन्नू की माता जी हैं। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, वो नाना प्रकार के जो विचार उसके मन में आ रहे हैं। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। तो उसे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है उसके बारे में, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यहाँ पर ही जो है पेट के लिए सब कुछ करते हैं कोई भी। तो आगे देखेंगे। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कहता था, बाद में जो है मुरली वाला ऐसे कहने लगा। तो देखिए, रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण बातें याद आती रही। तो जब भी वह गाना गुनगुनाता तो वह स्वर इसे स्नेह सिक्त उनकी जो स्नेह भरी परिपूर्ण जो बातें अभी भी याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, तो ऐसी बीच जो है वह खिलौने वाला बनकर जो है 6 महीने के बाद आता है, उसके बाद जो है मुरली वाला, ऐसे ही दिन निकल गए, फिर मुरली वाला न आया। तो मुरली वाला जो है बिल्कुल वहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वह खिलौने वाला बेचने के बाद 6 महीने के बाद मुरली वाला बनकर आया था। उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, तो उसी प्रकार उसकी जो जो उसकी मूर्ति यानी देखने का जो भाग है वह भी क्षीण हो गया। तो यहाँ पर मुरली वाले का भाग जो है खत्म हो जाता है। चलिए, अब आगे चौथा भाग है। 8 मास बाद यानी 8 महीने के बाद, खिलौने वाला में जब मुरली वाला बनता है तो कितना गैप था, 6 महीना। उसके बाद मुरली वाले के बाद जो है अभी कौन सा मिठाई वाला बना है, तो 8 महीने का यहाँ पर अंतर है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर
अजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी, जो बाल को लंबे होने के कारण जो है स्त्रियों के, वह जब एक बार गीले करते हैं तो उसे सुखाना पड़ता है ना, बल्कि वो सिर जो है ठंडक पहुंचती है। इसलिए लड़कों के या आदमियों के बाल छोटे होने के कारण सिर धोने पर उनको कुछ सूखने में उतना समय नहीं लगता है। केश राशि को सुखा रही थी, इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसी प्रकार जो स्वर है यहाँ पर मिठाई वाला, इस बार जो है वह मिठाई वाला बनकर आया हुआ था। तो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए मिठाई जो है चुन्नू मुन्नू यहाँ पर देख रहे हैं, रोहिणी जो है वहां पर दरवाजे में छिप कर जो बातें कर रही है, और चुन्नू मुन्नू की दादी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम अभी पढ़ते हैं। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। किसके लिए? रोहिणी के लिए। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उस समय जो है जो जो उनका नाम था, आपको पता होगा, जो विजय बहादुर थे, हाँ उनकी रिद्धा दादी थी, जो चुन्नू मुन्नू की दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। देखिए पहले ऐसे बहुत सारे बेचने के लिए आते थे, बहुत ही अच्छा बनाते थे तो लोग भी लिया करते थे। आजकल जो है बनावट का जमाना है, ना ही ले तो बेहतर है। तो चलिए आगे क्या होता है। देखिए जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? तो वैसे जैसे ही आएगा मिठाई वाला उसे ठहरा दो, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। चीक की ओट में यानी जो वहां पर बैठी हुई है, तख्त। तख्त जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इसे तख्ता कहते हैं, चीक यानी तख्ता। ठीक है, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी उसे बुलाती है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? माँ कहने लगा उसे, ये नए तरह की मिठाई हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। देखिए कुछ कुछ मिठी हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं। छोटे बच्चों को तो खट्टा मीठा बहुत ही पसंद है, चाहे वो बर्फ का गोला हो या कुछ भी चीजें हो, गोली हो। ठीक है, जल्दी नहीं घुलती यानी जल्दी से पिघलती नहीं है, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। चूसना यानी जो चूसने का काम जो है गोलियों का। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। देखिए इसके अलावा जो है खांसी भी इससे दूर होती है। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। चपटी जो आकार से वहां पर जो बच्चों को आकर्षित करने वाला आकार होता है, उसी प्रकार इसने गोल चपटी और पहलीदार जो है पहलदार जो बनाया हुआ है। पैसे की 16 देता हूं, एक पैसे की 16 गोली मिठाई देता है वह। तो चलिए वहां पर जो दादी के साथ बात करते हुए आपने चित्र वहां पर देखा है, तो आगे बढ़ेंगे हम, उस चित्र को याद रखिए आप। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। तो उसमें भी तोल मोल कर रहे हैं, भला 25 तो देते, 16 के जगह जो है 25 देते मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। पहले ही वह सस्ता देता है, उसमें दादी माँ 25 देने की जो है मांग रखती है, तो मैं इससे अधिक नहीं दूंगा, ऐसे मिठाई वाला कहता है। यहाँ पर दादी माँ और जो मिठाई वाले का वार्तालाप चल रहा है। रोहिणी दादी के पास ही थी। रोहिणी जो है वहाँ पर आपने दृश्य देखा है,
वो वहां पर छिपकर बात कर रही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है। देखिए वो देना भी वो भी सस्ता है, 4 पैसे की ले लो, 1 पैसे के 16 आते हैं तो 4 पैसे की कितना आता है, आप गणित में एक्सपर्ट हैं तो पता लगा लीजिए। यह पैसे रहे, मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। मिठाई वाला जो है मिठाई गिन रहा था, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। तो दादी माँ वहां पर रोके नहीं जा रही है, 25 नहीं सही 16 के जगह 20 तो दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं है। देखिए वहां पर जो दादी है वह मोल भाव कर रही है, वो कह रही कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उतना करने नहीं आता है मोल भाव, तो 16 नहीं 25, तो 25 नहीं 20 तो दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले यानी सब जो है यहाँ पर दांत वगैरह जो है, दांत पड़े होते हैं तो वहां पर गिरे होते हैं, वो फोपला फोपले होता है, तो एक बार मुस्कुराई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे? तो रोहिणी को एक दिमाग में घूम रहा है, वही इंसान होगा जो खिलौने वाला जो और एक मुरली वाला जो बनकर आया था। तो दादी से वह पूछ रही है, क्योंकि उनके पत्नी जो पति हैं घर में नहीं है। पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं? तो ऐसे प्रश्न जो है पूछने लगती है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। तो दादी को बता रही थी तो वो मिठाई वाला सुनकर वही उत्तर देने लगा। पहली बार देखिए यहाँ पर, तो देखो पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं, ऐसे जो है मिठाई वाला कहता है। रोहिणी की चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई वाला बेचते हुए आज आए थे या और कोई चीज लेकर? पहले मिठाई लेकर आए थे या और कोई चीज, ऐसे पूछताछ कर रही है। मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मय आदि भावों से, देखो ये हर्ष संशय डाउट, तो उससे वह पूछने लगा है कि देखिए यहाँ पर विस्मय आदि ने आश्चर्यचकित होकर डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। देखिए खिलौना मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले जो है खिलौना लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी आतुरता उसमें हो उठा। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? क्योंकि उसके एक मन में जो है एक सवाल घूम रहा था कि इतने सस्ते में देते हो तो कैसे आपको जो है लाभ होता होगा, सो कैसे वह भी बताओ। तो वह क्यूरियासिटी वहां पर उत्पन्न हुई है, वो पूछ रही है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? ऐसे जो मिठाई वाला कहता है, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब व्यर्थ न उन बातों की, हाँ जब इतना बताया है तब और भी बात बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा, हर्जा न होगा। ऐसे वहां पर जो है बात उनसे, हर्जा यानी हानि, ठीक है, हर्जा ना होगा यानी हानि नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, मिठाई जो है मैं और भी ले लूंगी, तो फिलहाल आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर अभी वह बातें जो है बताना प्रारंभ करता है। अतिशय गंभीर के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, संसारिक सुख भी था, उसे 2 बच्चे थे, स्त्री
स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राण मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, इतने सुंदर थे। उनकी अटखेलियां यानी नटखट खेल कूद के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो देखिए वह अकाल, उनकी वह अभी नहीं है तो उनका जिक्र, वो मर गए क्या है वो बताया नहीं है, लेकिन उनकी खोज में जो है यहाँ पर वो फिर रहा है। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, तो अंत में जो है यही कहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं, कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं जो है वो फिर से जन्मे होंगे इन बच्चों के बीच जो है, तो जन्मे होंगे, तो इसी में मैं ढूंढता हूँ। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, तो ऐसे वो सोच सोच कर है घुल घुल कर जो है मरता रहता है, यानी उसे जो है दुख होता है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, उन मेरे जैसे बच्चे लगते हैं इसीलिए उनकी झलक जो है, एक झांकी जो है मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है वैसे ही, वैसे वे इन्हीं में उछल 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 कर हंस खेल रहे हैं। तो उन्हें जब मिठाई देता है, कुछ भी देता है, तो उसमें ही उनके बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, ऐसे लगता। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। तो यहाँ पर देना ही उसके लिए बड़ी बात हो गई थी। तो देखिए रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थे यानी भर गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो बच्चों को कुछ पता नहीं है, बच्चे आने के बाद मिठाई मांगने लगे, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अभी बातें ही कर रहे थे तो मिठाई वाले ने ही वो दो पुड़ियां जो है बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, ठीक है, भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेठी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, तो परिचय होने के कारण जो है मैं पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न, आपने पैसे लिए जा जा भाई, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ऐसे फिर से वह स्वर जो है सुनाई देता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जो है यहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की, जो उनके अकाल जो पत्नी और दो बच्चों के मृत्यु के कारण वह कभी खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला के रूप में वह बच्चों के साथ घुल मिल जाता, उसी में उसके बच्चों को उसकी झांकी जो है देखता है। यह एक सुंदर कहानी जो है यहाँ पर हमने आज देखा। तो इसके पाठ संबंधी जो प्रश्नोत्तर हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।